मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया का ये पार्ट पार्ट टू है। हमने इस वीडियो को पार्ट तीन पार्टों में बनाया है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। पार्ट वन एंड पार्ट थ्री इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझना है तो कृपया करके हमारे तीनों पार्ट को जरूर देखें। तो अब ये देखिए, लगभग 5 से 6 हफ्ते हो गए हैं। मैं इसको जो है अब चेक करूंगा कि इसके अंदर जो है स्थिति क्या है। हम यहाँ चेक नहीं करेंगे, इसको मैं ले चलता हूँ घर के अंदर, फिर वहाँ अंदर चेक करते हैं। तो अगला स्टेप क्या है, जब आप बॉक्स को गार्डन में रखते हैं, उसके बाद जब आपने उसके अंदर मधुमक्खी भी डाल दिया है, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, तो आपको करना क्या है कि 3 से 4-5 हफ्ते के बाद या 6 हफ्ते के बाद आपको चेक करना है कि फीमेल यानी क्वीन का क्या स्थिति है, क्वीन हेल्दी है कि नहीं है, है कि नहीं है, मर गई कि जिंदा है, ये आपको देखना जरूरी है। अगर क्वीन नहीं है तो आपको मधुमक्खी उस बॉक्स में मधुमक्खी का प्रोडक्शन नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं छोटे वाले बॉक्स में क्या इसमें कोई मधुमक्खी जो हमने हाइव डाला था उसमें है कि नहीं। इसमें तो कोई मधुमक्खी नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें चेक करते हैं। ये ऊपर का कवर हमने दिखाया, ओ नो, इसमें भी कोई मधुमक्खी नहीं है। ये फ्रेम है, इसमें भी कोई मधुमक्खी नहीं है। ये वो वाला बॉक्स है, दूसरा वाला, इसमें भी कोई मधुमक्खी नहीं है। ये देखो, इसमें तो मधुमक्खी आ गई है। देखिए, मधुमक्खी छत्ता भी बना लिया है। डरिए नहीं, ये जो है रियल फ्रेम है और ये मैंने मंगाया एक जगह से आपको सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। तो फ्रेम इस तरह से कुछ दिखता है कि आपको जो है ये जैसे बॉक्स है, इसमें आप जो है इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से बैठ जाएगा, ठीक है, गेट आउट फ्रॉम, ओके, ठीक है। निकालने के बाद आप इस मधुमक्खी के इस फ्रेम को आराम से निकालना है और निकालने के बाद आपको देखना है कि इसमें रानी मधुमक्खी कहाँ है। ये मैंने आटे का बना रखा है कुछ इस तरह से, चाहे आपके छत्ते पर होगा या किनारे होगा, कहीं होगा, ज़्यादातर ये किनारे इस तरह से लटके होते हैं। इसके अंदर एक रानी मधुमक्खी बंद रहती है, ठीक है, जो जैसे 4 से 5 हफ्ते तक अंदर रहती है, उसके बाद ये बाहर निकलती है, ठीक है। इसको पहचानने का तरीका यही है कि आपको इस तरह का आकार देखना होगा, या यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा, या इस साइड होगा, है ना, पूरे बॉक्स में सिर्फ एक ही होगा। इस तरह से आप ये वाला जो देखिए, नेचुरली एकदम ओरिजिनल वाला रानी मधुमक्खी का घर है ये, थोड़ा सा केव बना हुआ है, आप उसमें एक मधुमक्खी बैठी हुई है, मरी हुई है फिलहाल अभी देख। सबसे पहला जो काम है 4-5 हफ्ते बाद रानी मधुमक्खी का घर ढूंढना, तो इस तरह से दिखता है, ठीक है। इसके दिखने के बाद उसमें क्या होता है कि रानी मधुमक्खी का इमर्जेशन होता है, इमर्ज होकर बाहर निकलती है इस गुहा में से, ठीक है, जो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, जो कुछ इस तरह से दिखता है। तो धीरे धीरे क्या, रानी मधुमक्खी इसमें से धीरे धीरे करके बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद इधर आ जाएगी इस वाले पार्ट में, तो घूम घूम के इसमें अंडे देना शुरू कर देगी। कि जब रानी मधुमक्खी इसमें अंडे देती है, ठीक है, मैं अंडे दे के दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये है मेरे हाथ में जो है ये राइस है, और लगभग राइस के साइज का ही होता है। देखिए, मैंने इसमें यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, मैंने 2-3 डाल देता हूँ। इस तरह से आप मान के चलो कि रानी मधुमक्खी जो है यहाँ से इस घर से निकल के एक एक करके सारा अंडा देना शुरू कर दिया है यहाँ पे, देख रहे हैं ना। तो रानी मधुमक्खी जनरली एक दिन में लगभग 2000 अंडे देती है, तो लगभग 30 सेकंड में एक अंडे देती है, तो घूम घूम के इधर से उधर तक देती रहेगी। अभी सवाल ये उठता है कि जब सारे अंडे एक जैसे होते हैं तो उसमें जो है कोई खास ही रानी मधुमक्खी क्यों बन जाती है। उसका कारण यह है कि जो वर्कर्स होते हैं, जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, एक खास प्रकार के अंडे को चूज करती हैं और उनको स्पेशल खाना दिया जाता है, और उस खाने का नाम है रॉयल जेली। तो रॉयल जेली कुछ इस प्रकार का होता है, तो उनको स्पेशल फीड देते हैं, जैसे मान लो हम इसमें रॉयल जेली जाल डाल देते हैं, देखिए कुछ इस तरह से दिखता है, व्हाइट कलर का होता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि मधुमक्खी बनता कैसे है, कैसे सारे श्रमिक मधुमक्खी मिल के जो है मधुमक्खी बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो श्रमिक मधुमक्खी होती हैं वो जाती हैं बाहर और फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करके ले आती हैं, कि वो जो है मुंह के अंदर डाल के डाइजेस्ट करके फिर दूसरे श्रमिक को देगा, दूसरा वाला तीसरे को देगा, तीसरा वाला चौथे को देगा। 4-5 बार करने के बाद वो जाकर के इसमें स्टोर करते जाएंगे। स्टोर करने के बाद, ठीक है, मान लो कि हमने जो है इसमें श्रमिक लोगों ने इसमें हनी डाल दिया है, तो जैसे मैंने हमने ये रियल हनी यहाँ पे डाल दिया है, और श्रमिक करने के बाद जब ये भर जाता है पूरा हनी से, तो फिर इसको जो है एक जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं वो वैक्स भी रिलीज करती हैं। वैक्स मतलब मोमबत्ती। तो मान के चलो कि ये मोमबत्ती है, तो उसको उसको जो है
वैक्स से उसको सील कर देती हैं, इस तरह से इसको बोलते हैं कैपिंग। मधुमक्खियों को खाने की व्यवस्था तो हो गया फूल से, वो खुद से जाएंगे नेक्टर से, नेक्टर फ्लावर से जो है नेक्टर कलेक्ट करके ले आएंगी। अब बात आती है कि मधुमक्खी पानी कैसे पिएंगी, मधुमक्खियों को पानी की व्यवस्था कैसे किया जाए। तो आज अब हम आपको बताते हैं कि पानी की मधुमक्खियों को पानी पिलाने की व्यवस्था कैसे करते हैं। तो मैं आपको दो बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ कि मधुमक्खी को पानी पीने के लिए कैसे व्यवस्था करें। एक तरीका है कि आप जो है बालू ले लें, ठीक है, एक प्लेट में, जितना बड़ा प्लेट है बस उतना प्लेट उतना बड़ा पर्याप्त है, ठीक है, बालू इस तरह से ले लें और इसके ऊपर जो है बड़े कंकड़ डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए पानी। मधुमक्खी के लिए जो बॉक्स जहाँ पे रखते हैं उसी भुस्सी के बगल में आप जो है इस तरह से पानी रख दीजिए। लेकिन यह है कि पानी अगर इवेपोरेट हो जाएगा बार बार तो आप कैसे करोगे। तो उसके ये बोतल है, बोतल में पानी भर के इसको हम थोड़ा सा छेद कर देते हैं, ठीक है, इसमें हमने छेद कर दिया, आप चाहो तो दो तीन छेद कर दीजिए। दो तीन छेद करने के बाद ये बोतल को उलट के इस तरह से रख दीजिए, बस। अगर दूसरे तरीके में क्या है कि अगर आपको सैंड और इस तरह से कंगन नहीं यूज़ करना तो फिर आप कैसे करोगे, तब आप इस टाइप का एक बाटल ले लीजिए, ठीक है, बाटल में मैं छेद कर देता हूँ। फिर इसको बंद करके फिर इस तरह से रंग बंद कर दिया, बस। मधुमक्खी होती हैं वो कभी इस तरह से बहते पानी को डायरेक्ट नहीं पी सकती हैं, क्योंकि वो स्वयं डूब के मर जाती हैं, ठीक है। उनको इस तरह से ड्राई चाहिए ताकि वो आराम से लैंड कर सकें और आराम से उसको मॉइस्चर को पी सकें, ठीक है। एक ये वाला तरीका है कि जिसमें किसी भी प्रकार का जो है कोई ज़रूरत नहीं है, वो देख रहे पानी नीचे आ गया ना, तो यहाँ पे किनारे वो बैठ के आराम से वो पानी पी लेंगी। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए एक और बता दूँ कि आजकल क्या है कि कोई इन दोनों को में से कोई यूज़ नहीं करता है। उसमें क्या होता है कि मार्केट में मिलता है बहुत छोटा सा, 40-50 रुपये का मिलेगा मुझे लग रहा है, इतना बड़ा सा होता है, ठीक है। उसमें एक इस तरह से नॉच इस तरह बने होते हैं कि उसमें 2 लीटर का जो कोको कोला का बॉटल होता है वो फिट हो जाता है, उलट के डाल दीजिए जैसे ये डाल के। उस तरह से एक पाइप होती है, पाइप में जो है पानी आके भर जाता है, ठीक है। भरने के बाद जो है यहाँ पे किनारे किनारे जो है मधुमक्खी आके बैठ के पानी पी के चली जाएंगी। ओके, इस तरह से मधुमक्खी का खाने का व्यवस्था हो गया, पानी का व्यवस्था हो गया। अब अगला एक और स्टेप है, उसको बोलते हैं हनी बी हेल्दी। तो हम अपने हनी को क्या हेल्दी हेल्दी खिलाएं जिससे जो है हमारा जो है जो हमारा मधुमक्खी का पालन है वो बहुत बिजनेस अच्छा से चलता रहे, मधुमक्खी का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता रहे। तो इसके लिए कुछ सप्लीमेंट देते हैं मधुमक्खियों को इस पानी के अलावा, और उसको बोलते हैं हनी बी हेल्दी। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि हनी बी हेल्दी कैसे बनाएं और कैसे कैसे मधुमक्खी को खिलाएं। तो सबसे पहले हम जो है 150 ग्राम चीनी ले लेते हैं, ये हो गया 150 ग्राम। अब हम इसको जो है आधा लीटर पानी में घोल लेते हैं। जब तक ये घुल रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ये 2 ml पड़ेगा आपका, 2 ml, ये भी 2 ml, और बाकी जो सब हैं इसके नीचे वो 1 ml, ये भी 1, बाकी के सारे 1 ml पड़ेगा, ठीक है। 2 ml लेमन ग्रास, 2 ml स्पेयरमिंट ऑयल, बाकी जो भी हैं एसेंशियल ऑयल आप उसको 1 ml डाल सकते हैं। ये हमारा घुल गया, अब हम डालते हैं एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल के लिए हमारे पास हमने पूरा सेट ले रखा है, इसमें सारे प्रकार के एसेंशियल ऑयल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डालते हैं लेमन ग्रास, जैसा कि लिस्ट में है, ये है लेमन ग्रास, देख रहे हैं, यह है लेमन ग्रास। तो इसको हम 2 ml डाल देते हैं, आप देख सकते हैं कि जो है ऊपर जो है लेमन ग्रास जो मैंने अभी डाला है ऊपर तैर रहा है, ठीक है। और अब हम डालते हैं स्पीयरमिंट, 2 ml हमने ये भी डाल देते हैं। तो दो ही चीज़ मेन होता है, 2 मैंने डाल चुका हूँ, बाकी हमारे पास तो बहुत से, हम चाहे तो हम सारा एक एक करके डाल देते हैं, मैं आपको डाल के दिखा भी देता हूँ। देखिए जो है रोजमेरी है, टी ट्री है, लेवेंडर है, ये देखिए ऑरेंज है, ऑरेंज आयल,
तो मैंने जो है पूरा नाप के नहीं, जानबूझ के नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको यूज़ नहीं करना है, फाइनली मुझे फेंक देना है। लेकिन जब भी आप करेंगे तो इसको अच्छे से नाप लीजिएगा। इस तरह से हमने ये मिक्स कर लिया, ठीक है। तो हमारा जो है ये जो है हनी भी हेल्दी तैयार हो गया है। तो इस तरह से जो है हनी भी हेल्दी जो है तैयार हो गया है, और ये बहुत अच्छा महक भी रहा है। जब भी हम हनी भी हेल्दी बनाते हैं तो इस तरह से कंसेंट्रेटेड वर्जन पहले बना लेते हैं। ये बहुत कंसेंट्रेटेड है ये, इसको हम डायरेक्टली जो है हनी को नहीं देंगे, इसको पहले डाइल्यूट करना पड़ेगा हनी को देने के लिए। डाइल्यूट करने के लिए हम इसको 10 ml को 2 लीटर में मिला देंगे। तो हमें जो है हमारे पास ये 10 ml का एक मेजरिंग सिलेंडर है, तो इसको हम जो है 2 लीटर पानी में मिला देते हैं। आपको दिख भी रहा होगा, इसको मिक्स कर लिया। तो ये आपका हनी भी हेल्दी रेडी हो गया है। अब इसको मधुमक्खियों को पिलाने के लिए रेडी है। तो इसको लिए हम क्या करेंगे कि हम इस बाटल मधुमक्खियों को देने के लिए हम जो है इसको एक बाटल में डाल देते हैं पहले, उस बाटल में डाल लेते हैं और हम इसको बंद कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मधुमक्खी का बॉक्स होता है, तो सबसे जो ऊपर वाला बॉक्स होता है वहाँ पे उसको जाकर के इस तरह से करके रख देंगे बस। और ये आपका तैयार हो गया। आप देख रहे हो जो साइड में जो आ गया है ना, इसका जो पानी जो भी जो उसका सोल्यूशन आ गया साइड में, मधुमक्खी यहाँ से पी लेंगी। तो इस तरह से अब हम आपको बताते हैं कि हनी भी हेल्दी लोग बनाते क्यों हैं, लोग क्यों देते हैं मधुमक्खियों को, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि जो शुगर का मात्रा है, जो हमने इसको कंसेंट्रेटेड बनाए थे, बाद में हमने डाइल्यूट करके तब बनाया है 2 लीटर, इसमें शुगर की मात्रा वैसे भी देखा जाए तो बहुत कम है, बहुत न के बराबर है, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है चलता है। और साथ में हम एसेंशियल ऑयल इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें बहुत से अमीनो एसिड्स और वो सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो मधुमक्खी के लिए हेल्थ के लिए फायदेमंद होती हैं। कुछ अमीनो एसिड भी लोग मिलाते हैं, कुछ लोग जो है कुछ जो है ऐसी चीज मिलाते हैं जिससे मधुमक्खी का डाइजेस्टिव सिस्टम और स्ट्रांग हो जाए और अच्छा हो जाए, तो उससे जो है हनी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जो है इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। और बाकी एसेंशियल ऑयल इसलिए डालते हैं क्योंकि वो उनको जो है मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, ताकि वो जाके पानी को पिए। अब ऐसा करने से मुझे नहीं लगता है कि किसी हनी के जो है क्वालिटी में खराब होगा, क्योंकि वो हनी जो है सिर्फ यहाँ से सब करके जाती है, बाकी फ्लावर से नेक्टर करके कलेक्ट कर ले आती है, दोनों को मिक्स करके एंजाइमेटिक रिएक्शन करके फिर जाकर वो हनी बनाती है, ठीक है। और हनी भी हेल्दी देने का एक और फायदा यह है कि जब भी जाड़े के दिनों में जब फ्लावर नहीं होते हैं, बहुत ठंडी पड़ती है, उस समय मधुमक्खियाँ कभी कभी ऐसा तो भूखों से मर जाती हैं, ठीक है। तो जो भी मधुमक्खी पालन करते हैं तो वो सब यही सब का इस्तेमाल करके इमरजेंसी में उनके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं, ताकि मधुमक्खी मरे ना।